वेलकम टू अवर चैनल सिक्योर क्लासेस। आज हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके डेरिवेशन करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेशन है एफ इक्वल टू आर बाई टू। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है वीडियो नंबर 4, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमारा चैप्टर है यह स्टार्ट हुआ था वीडियो नंबर 1 से। तो उसमें हमने आपको प्लेन मिरर्स के बारे में बताया था, उनसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, पूरी डिटेल में था। एंड 1 और 2 प्लेन मिरर्स पे था, और थर्ड जो हमारा वीडियो था वो स्फेरिकल मिरर से था, जिसमें हमने आपको सारी डेफिनेशंस और उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो बताए थे। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 वो देखेगा, और उसके बाद अगर यहाँ पे आता है तो उसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो डेरिवेशन है एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो बेसिकली तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th और 10th से पढ़ के आए हैं तो उन्होंने सब ये पढ़ा होगा कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकल लेंथ है। इनमें क्या रिलेशन है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अब ये चीज हमको यहाँ पे क्या करना है, ड्राइव करना है, इसे डेरिवेशन बोलते हैं। तो डेरिवेशन से आपको यहाँ पे प्रूव करके लाना है कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। तो मिरर हमारे कितने थे, स्फेरिकल मिरर एक था, कॉनकेव मिरर, और एक कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे चल रहा है आपका कॉनकेव मिरर, पहले इसका देखिए, ये एक हमने फिगर बनाया हुआ है MN, क्या है ये, कॉनकेव मिरर है, ठीक। OA ये इंसिडेंट रे हो गई, जब ये पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब देखिए जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मीट करेंगे, तो ये हमने इसे मीट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा ये चीज क्या होती है, इस पे नॉर्मल होती है, नॉर्मल मीन्स है कि परपेंडिकुलर होती है। तो कहीं भी आप मीट करेंगे तो वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर को, तो वो हमेशा किस पे आएगी, 90 डिग्री पे आएगी। तो जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो उसमें क्या था आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो देखिए फिगर आ गया। अब ये जो एंगल है ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। इसको हम 1 एंड इसको क्या लिखते हैं, 2। एक हमारा एंगल ये बना, तो ये कौन सा हो गया आपका, एंगल 3 हो गया। अब इसी से देखिए किस तरह से ये प्रूव हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 एंड 2, तो ये आपका क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें क्या था कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ओके। नेक्स्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, पूरा मैथमेटिक्स है इसमें, एंगल 1 ये हुआ, एंगल 3 ये हुआ, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके। अब देखिए 1 एंड 2, यहां पे क्या है, 1 इक्वल टू 2 है एंड 1 इक्वल टू 3 है, तो क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 से हमें क्या दिख रहा है कि जो एंगल 2 है ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 2, देन 2 इक्वल टू 3। अब देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, ओके। तो जो आपका ये CF है ये किसके इक्वल हो जाएगा, FA के, CF इक्वल टू FA, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड जो है हमारी क्या है, ये इक्वल आ गई है। अब देखिए इसमें कंडीशन होती है, जितने भी ये फार्मूले आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, ये अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, फॉर स्मॉल अपर्चर, जब ये स्मॉल होगा तो ए पॉइंट जो है वो कहां पे होगा, पी के क्लोज होगा, ए विल बी वेरी क्लोज टू पी, मतलब ए जो पॉइंट है जब ये स्मॉल होगा अपर्चर, तो ये ए पी के बहुत क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
जब क्लोज होगा तो उस कंडीशन में हम एफ ए को एफ पी कंसीडर कर सकते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ पी। ओके, अब यहाँ पे एफ ए की जगह आप पुट करेंगे एफ पी, या इसे हम पी एफ भी बोल सकते हैं, तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ठीक, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, पी एफ एड कर रहे हैं, पी एफ, और यहां पे क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ। राइट, अब देखिए सी एफ एंड पी एफ, सी एफ एंड पी एफ, ये दोनों मिलके क्या हो गया आपका पी सी, और ये क्या हुआ आपका टू पी एफ। राइट, अब पी सी क्या है हमारा, पी से लेकर पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे क्या लिख देंगे आप, ठीक है, इक्वल टू टू पी एफ, पी पोल टू फोकस, तो ये क्या हो गया आपका फोकल लेंथ हो गया। तो आर इक्वल टू क्या हुआ आपका टू एफ, देयर फोर एफ इक्वल टू क्या हो गया आपका आर बाई टू। ओके, तो ये आपका रिलेशन आ गया, एफ इक्वल टू जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ये किसके लिए हुआ आपका, कॉनकेव मिरर के लिए हुआ। अब देखिए ध्यान से, ये कॉनकेव हो गया। अब सेकेंडली आपको हम बताते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हम किस तरह से इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर ये किस टाइप का होगा, ये आपका मिरर हो गया कॉन्वेक्स। ठीक, ये आपकी हमने यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये हमारा क्या हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर, इज कॉल्ड पोल, ये पोल हो गया। देखिए ध्यान से, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इसको डाइवर्ट कर देगा। ठीक, इसको आपने पीछे इस तरह से प्रोड्यूस करा, जहां ये मीट करेगा ये क्या हो जाएगा आपका फोकस हो जाएगा। अब देखिए P से F तक का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ हो गया, उसी डिस्टेंस पे आपका क्या आएगा C आ जाएगा, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अभी क्या बताया था हमने आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मीट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका नॉर्मल आ जाएगा। राइट, तो ये जो आपका C से लेके ये इसको नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, सपोज हमने M कर दिया, तो ये जो सी एम है ये क्या हो जाएगा आपका, ये नॉर्मल हो गया। फिर से देखिए ओ ए इंसिडेंट रे, ए से ये यहाँ पे क्या हो गई रिफ्लेक्टेड रे हो गया, पी रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ए एम है ये नॉर्मल हो गया। अब जब ये नॉर्मल है तो ये और ये दो एंगल बने, ये आपका बना क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये बना आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, अब इसी से हमें ये प्रूविंग करना है कि एफ इक्वल टू मतलब पी एफ इक्वल टू क्या है, हाफ पी सी है। देखिए किस तरह से करेंगे, वेरी सिंपल है। ये देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका सी एम और एक हो गया आपका ये एफ बी, ये तो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा। इसे एंगल थ्री डाल दीजिए, एक एक चीज लिखते जाइए कि एंगल टू इक्वल टू क्या है, एंगल थ्री है, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। क्यों है ये, इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। राइट, इक्वेशन नंबर वन। अब इस एंगल को देखिए, ये एंगल वन है और ये वाला हमने लिखा है एंगल फोर। राइट, तो एंगल वन इक्वल टू क्या है, एंगल फोर है, ये इक्वेशन नंबर डालिए टू। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ओए क्या है आपकी इंसिडेंट रे है और ये क्या आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। जब ये पैरेलल हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आइए कि वन इक्वल टू क्या होगा, टू होगा, इक्वेशन नंबर थ्री। राइट, तो यहां पे आप इसका रीजन देते जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से देखिए, अब यहां से देखेंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर एंड एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। इट मीन्स क्या हुआ, थ्री और फोर क्या हो जाएंगे इक्वल, एंगल थ्री इक्वल टू क्या हो गया, एंगल फोर हो गया। ठीक है,
क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, ठीक है। तो यहां से हमने ये क्या प्रूव करा कि एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के इक्वल है। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप फिर से ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे ए एफ सी में, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो यहां से फिर वो ये चीज आ जाएगी कि सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए, सी एफ इक्वल टू एफ ए। ये क्यों हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अगर पिछले ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फिर यहीं पे कंडीशन क्या आएगी, सेम फॉर अ स्मॉल अपर्चर, ये जो कंडीशन आपने यहां पे देखी थी, अगर अपर्चर हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा, ए विल बी लाई वेरी क्लोज टू पी, तो जब ए पी के क्लोज होगा तो उस कंडीशन में हम एफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए सी एफ इक्वल टू क्या था, एफ ए, एफ ए इक्वल टू क्या आया हमारा, पी एफ आ गया। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू पी एफ, राइट, बोथ साइड, फिर आप पी एफ एड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ, सी एफ एंड पी एफ, सी एफ एंड पी एफ इनको एड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका पी सी, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हो गया आपका टू पी एफ। यहाँ पे लिख दीजिए आर इक्वल टू टू एफ, ये क्या हो गया फोकल लेंथ। अब फिर से वही चीज आपका प्रूव हो जाता है कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई टू। तो ये आपका रिलेशन तो सेम ही रहेगा, चाहे मिरर आपका चेंज होता है लेकिन दोनों के डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज है। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, आर बाई टू हो गया। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। इट मीन्स अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव स्पेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40 है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20। कन्वर्स कर दीजिए, अगर आपकी फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 40। ओके, तो ये आपने इस वाले वीडियो में क्या देखा कि दोनों में कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये रिलेशन देखा है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको रिलेशन हम कौन सा बताएंगे, यू वी एफ, मतलब यू फॉर क्या होगा, लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ है, इसमें क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। ओके okay?